विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत चल रहे नामांकन प्रक्रिया में बुधवार को कई प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। बता दें कि गोरखपुर के खजनी विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी श्री राम चौहान, कैंपियरगंज विधानसभा से सपा प्रत्याशी काजल निषाद सहित कई विभिन्न पार्टियों के प्रत्याशियों ने कलेक्ट्रेट परिसर में विभिन्न कक्षों में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। अरे राजू भैया, राजू भैया पीछे जो लोग छापते हैं कि ये बिना मास्क के हैं, इसको क्या जवाब दिया जाए? अरे शुभकामना नहीं, जीती हुई क्या शुभकामना की बात। ये देखिए इधर थोड़ा घूम जाइए, इधर थोड़ा घूम जाइए, इधर 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 इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए नामांकन करने आए प्रत्याशियों ने बताया को सरकार की जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं उसका लाभ मिले सबको, सभी जनता को स्वास्थ्य की सुविधा, सभी को शुद्ध पेयजल, जिनको आवास नहीं है आवास मिले, जो भी वंचित लोग रह गए हैं, जो आधे अधूरे काम रह गए हैं, उन सबों को पूरा करने का काम किया जाए। नेता जी आप मानते हैं कि अभी आधे अधूरे काम है योगी जी की सरकार रहने के बावजूद भी? जैसे हर घर नल योजना 2023 में पूरी होने वाली है तो आधी अधूरी ही रहेगी, अभी बहुत सारी योजनाएं। कैंपियरगंज में निषाद समाज की जनसंख्या बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में है, निषाद समाज भी है वो मेरे साथ है, इसीलिए कि निषाद समाज जो है वो माननीय संजय निषाद जी को भी समझ गए हैं, मुकेश सहनी जी को भी समझ गए हैं कि इनकी करनी और कथनी में भी बहुत अंतर है। वो जो थाली भरी थी उनकी निषाद समाज की, वो थाली तो कोई और चटोर गया, निषाद पार्टी अब रही कहाँ। देखिए चौरा चौरी चौरा में मैं नया नहीं हूँ, आज प्रत्याशी जरूर बन गया हूँ, लेकिन चौरी चौरा के लिए उनके समस्याओं को मैं 10 वर्ष से आज देख रहा हूँ, उनके बीच में 10 वर्षों से मैं वहाँ पर काम करता रहा हूँ। वहाँ का मूलभूत समस्या तो गिनाते रहें तो बहुत समय लगेगा, लेकिन वहाँ का मूलभूत समस्या में सबसे एक समस्या ये है कि वहाँ के जितने भी जनता हैं, जो गरीब दलित और ब्राह्मण भी उसमें हैं और सवर्ण भी उसमें हैं, जात पात की कोई बात नहीं है इसमें, लेकिन जो लोग बंधे के किनारे रहते हैं वो हर साल अपने घरों को बसाते हैं और हर साल उनका घर उजड़ जाता है बाढ़ के कारण। हम सरकार से पहले भी मांग कर चुके हैं कि बंधे का देख रेख ठीक से किया जाए, वहाँ पर जब बाढ़ के और बरसात का समय आता है तो वहाँ का सड़कें दोनों तरफ से पानी से कट करके बिल्कुल 5-7 फीट का रह जाता है और लोगों में खतरा बना